हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 31 मई है और ये मंथली वीकली सारी एक्सपायरी ख़त्म हो गई और फिर से कल से फ्रेश एक्सपायरी चालू हो गई और इलेक्शन भी ख़त्म हो गया। मंत्रालय भी जिसको जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलनी थी वो भी मिल गई। सारी चीज़ न्यूज आ गए। एक खाली आरबीआई का जो कट रेट है, जो एक्सपेक्टेड है 0.25 बेसिस पे कट हो सकता है या 0.5 बेसिस पे भी। मार्केट शायद इसको भी डिस्काउंट कर लिया हो, नहीं भी किया हो तो एक छोटी सी बूम है उसके लिए। हो सकता है कि एक एक्सपायरी और आपको शॉर्ट रेंज में आपको हो सकती है 11800 नहीं तोड़े और ऊपर 11-12 हज़ार नहीं तोड़े, तो 11800 से 12 हज़ार के रेंज में 6 जून की एक्सपायरी तक हो सकता है। इस रेंज में आपको घुमा घुमा के ख़त्म कर दे, उसके बाद आपको शायद फिर से वीकनेस दिखेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। वीकनेस ही दिखना चाहिए अभी। अब स्ट्रांगनेस सपोर्ट जो था 12,000 का वो आपको दिखा दिया, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको लिमिट दिया था 12,040-50 तक मैक्सिमम, आप वहाँ तक गया और पूरा वीक की एक्सपायरी ख़त्म हो गई वहीं पे। अब जो है बेरिश सिग्नल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मीन्स अब टॉप पे जाने की संभावना मैक्सिमम क्या जा सकता है 12,200। 12,000 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो ऊपर साइड की संभावनाएं कम है, नीचे साइड की संभावना ज़्यादा खुल चुकी है अभी। और अभी सारे चीज़ हो चुके हैं, सारे न्यूज आ चुके हैं, डिस्काउंटिंग सब चीज़ हो चुका है, तो नीचे की ओर बेरिश सिग्नल में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। और वापस अगर वो किसी तरह 11,800 तोड़ता है तो 11,600 पे आकर सपोर्ट लेगा, 11,600 तोड़ता है तो 11,200 पे 300 पे आकर के सपोर्ट लेगा। तो पहले 11,800 अगर किसी को बहुत ही स्ट्रांगनेस है 11,800 का लॉन्ग बना सकते हैं, 11,800 का सपोर्ट रख के, और छोटा लेना चाहते हैं 11,832 आज का जो लो है इसी को आप सपोर्ट मान लें और फिर उसको लॉन्ग रहना चाहते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग रहें, अदरवाइज आप शॉर्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। और अगर जिसको लॉन्ग शॉर्ट रहना है वो कहाँ निकल सकते हैं, तो 12,060 अगर क्रॉस करता है तो वापस ये 12,300 की ओर जा सकता है। तो ऊपर की पोजीशन की और शॉर्ट जब बना रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस 12,060 कर समझ लीजिए, 12,060 नहीं क्रॉस करना चाहिए, 12,060 अगर क्रॉस करता है तो 12,300-12,400 तक जा सकता है। और अगर नीचे की ओर को लॉन्ग बनाना चाह रहे हैं 11,800 तोड़ता है तो वो फिर नीचे 11,600 तक जा सकता है, 11,600 से 11 तोड़ता है तो 11,300 तक जा सकता है। ये निफ्टी में अब वीकनेस के सिग्नल ज़्यादा दिख रही है, 80% है वीकनेस, 20% है अपसाइड। आज की क्लोजिंग को अगर रीड करें तो 11,922.80 पे क्लोज हुआ है 23 पॉइंट से, एडवांसेस 21 है, 29 डिक्लाइन है, मतलब गिरने वाले ज़्यादा शेयर है, ज़्यादा डिक्लाइन 29 वाले। गेनर में टेक महिंद्रा, TCS, एशियन पेंट, IOC, ब्रिटानिया, ये गेनर में है। IT सेक्टर चूंकि जब गिरता है तो IT में बाइंग होती है तो वैसा चालू हो चुका है। येस बैंक, ITC, ग्रासिम, जी एंटरटेनमेंट और वेदांता में नेगेटिव पोजीशन। इंडेक्स की बात करें तो सारे इंडेक्स नेगेटिव में बंद हुए हैं, विक्स थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, रिवर्सल होता ही है। बैंक निफ्टी भी देखें तो कहीं ना कहीं 0.51 का नेगेटिव भी दिया है क्लोजिंग। तो इधर सेक्ट्रल इंडेक्स भी देखें तो सब नेगेटिव है IT को छोड़ करके। और अगर हम इसको FIDI की बात एक बार कर लें तो FI ने कैश में अभी तक देखेंगे 30 तारीख तक कैश में इसने टोटल ओवर टोटल बाइंग कहें तो 2,812 करोड़ की नेगेटिव बाइंग है, जबकि 30 तारीख को देखेंगे तो 1,664 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग है। मीन्स इसके न्यूज के चक्कर में वो बाइंग हुई थी लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं किए। जबकि DI का देखेंगे तो टोटल पॉजिटिव बाइंग है 4,922 करोड़ का और FI का 30 मई तक 2,812 करोड़ का नेगेटिव बाइंग है। ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में भी देखेंगे तो इंडेक्स में जहां इनका शॉर्ट है वहां ऑप्शन में अभी ये ज्यादा काम कर रहे हैं। 30 मई तक का 5,587 करोड़ का फ्यूचर में शॉर्ट है, नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग है। सबसे अच्छी बात जो है जो देखने को मिल रही है वो म्यूचुअल फंड से देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अब जो अभी तक डेप्ट में बाय करना ज़्यादा पसंद किया है कंपेयर टू इक्विटी में।
आप देखेंगे तो फाइव टाइम्स वो डेप्ट बाय कर रहे हैं कंपेयर टू इक्विटी में। इसका मतलब है उनको मालूम है मार्केट में बेरिश सिग्नल दिख सकता है, नीचे मार्केट जा सकता है, तो वो अपने फंड को डेप्ट की ओर लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से म्यूचुअल फंड का जो देखने को मिल रहा है 6,155 करोड़ का 29 तारीख तक में उन्होंने इक्विटी में बाइंग की है, जबकि डेप्ट में 32,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। अगर मैं एक बार इसको सिंपल बोलिंगर बैंड्स बना करके देखूं और ये अगर मैं 5 आवरली चार्ट पे देखूं, तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे 5 आवरली चार्ट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिसिजिबल सिग्नल बन के यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और इसका जो 11,859 जो है मिड पॉइंट है, अगर इसको तोड़ता है तो 11,682 इसका लोअर पॉइंट है। तो 11,600 में इसलिए आपको बताया था कि 11,600 तक वो जा सकता है। इनफैक्ट इसको आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको आवरली चार्ट पे ये देखिए, ये यहाँ पे एक ब्रेक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 11,595, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो पहले 11,834 यहाँ पे देखिए जो आज का लो है, इस पे सपोर्ट लेगा नीचे की ओर, और अगर नहीं मिलता है तो वो आपको 11,595 पे जो कि आवरली सपोर्ट है वहाँ पे ले सकता है। स्टॉकिस और दोनों सिग्नल पे यहाँ पे अप ट्रेंड बता रहा है, मतलब कि ऊपर की संभावना है, लेकिन जब 5 आवरली चार्ट पे जा रहे हैं और बोलिंगर बैंड्स के बिना भी जा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे रेड सिग्नल है, शॉर्ट सिग्नल है, और उसके बाद इंडिसिसिव सिग्नल है। तो ये कहीं ना कहीं और वॉल्यूम के साथ सेल हुआ है, ये इंडिसिसिव सिग्नल बेरिश सिग्नल है और आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। श्योरिटी ये देगा, अनश्योरिटी नहीं है, नीचे ही जाना है इसको, आप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर किसी कारण से अगर FDI जो RBI का आने वाला है और उसके कारण एक दिन अप चला जाए तो उसको आप नहीं कह सकते, फिर भी इसको 12,060 जाना बहुत मुश्किल है। अगर क्रॉस करता है तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन 80% चांस है ये मार्केट बेरिश सिग्नल आपको यहां से देगा। और 11,648-650 तोड़ने के बाद, जो 11,600 भी बताया आपको वो तोड़ने के बाद 11,300 के आसपास आपको सपोर्ट आकर के दे सकते हैं, 11,124 आपको 11,124 के आसपास आकर के सपोर्ट लेगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको ये बना के दे देता हूँ, यहाँ पे 11,110 के आसपास सपोर्ट लेगा। एक बार इसको डेरिवेटिव में देखते हैं, 6 तारीख का क्या डेरिवेटिव बताता है। 11,922 पे आज क्लोज हुआ है 31 मई को, 6 जून पे, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड कॉल है, यहाँ पे पुट का सिग्नल है और यहाँ पे कॉल आपको दिखता है। तो आप यहाँ देखेंगे पुट साइड में क्या हो रहा है, एट द मनी क्या हुआ, 11,922 का एट द मनी क्या हुआ, 11,900 पे देखते हैं, 11,900 पे क्या हो रहा है, कॉल की साइड में 4,11,000 से शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे निगेटिव प्राइसिंग हो रही है, जबकि 11,900 पे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही, दो सपोर्ट की पोजीशन हो रही है, राइटिंग हो रही है, 11,900 पे बाइंग पोजीशन बन रही है। लेकिन आप प्राइस एक्शन देखें तो ये बहुत नीचे तक नहीं लग रहा है, 11,850 इनफैक्ट देखेंगे 11,800 पे निगेटिव प्राइसिंग है। तो मैं अगर 11,800 लेवल तक भी समझूँ तो ये 11,800 तक हो सकता आपको दिखाए, और 13,11,000 का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, अगर इसके बाद जाता है तो नीचे अच्छा खासा जा सकता है। और फिर यहाँ पे आपको 11,600 के आसपास ही यहाँ पे 6,55,000 या 500 के आसपास 6,63 गए, तो 500 से 600 में फिर 13,00,000 का आता है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि 6 जून की एक्सपायरी 11,800 के नीचे होगी, 11,800 का एक रेंज हो सकता है, ऊपर 9,55,000 से 12,000 पे शॉर्ट हो रहा है, 22,00,000 का है, इसका किसी भी हालत में 12,000 क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा डेरिवेटिव में दिख रहा है, 22,00,000। उसके बाद आप देखेंगे तो 15,00,000 का 12,100 पे, 14,00,000 का 12,200 पे शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है, प्राइस एक्शन निगेटिव है। तो ये किसी जो रेंज हो रहा है ये एक रेंज बाउंड हो सकता है 11,800 से 12,000 के रेंज में, ये आपको दिख सकते हैं। तो 11,900-950 फिर 850 फिर 800 फिर 900 फिर 950 ऐसे करके 6 जून की एक्सपायरी हो सकता है वो निकाल दे। तो आपके दोनों प्राइसिंग कॉल पुट की जा सकती है, अगर 11,800 तोड़ता है फिर आपको 11,600 की ओर जाते हुए आपको आराम से दिख सकता है, क्योंकि पहला 7,00,000 का इससे 11,700 पे है
और फिर 11600 पर सीधा सपोर्ट है, तो मोस्ट वैल्यू 11600 फिर वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है और एक दो दिन में ही देखने को मिल जाएगा वहाँ के फॉल के बाद। ये एक मेरा ओपिनियन था कि निफ्टी में, और अगर मैं एट द मनी 11900 को प्राइस को देखूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो 76 है और 850 है उसका 52 है, तो प्राइस अभी भी जो दिख रहा है बहुत हाई दिख रहा है अभी भी, तो ऑप्शन में अभी भी थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर वो 11800 नीचे नहीं जाता है तो आपको प्राइसिंग अच्छी खासी जाएगी टूटेगी। तो अभी भी मैं कहूँगा कि पेपर ट्रेड ना करें, अभी रुके थोड़ा सा, जब अपने को सिग्नल मिल जाएगा कि नीचे जाना है तो फिर आपको वहाँ से मिलेगा, ऐसा नहीं 800 600 700 पॉइंट 800 पॉइंट तक मिल सकता है नीचे की ओर सिग्नल। तो अभी को ऐसा नहीं है, अभी इसको खेलने दीजिए 11800, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको रहने दीजिए, 11800 ब्रेक के बाद आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा और वहाँ से आप पुट की बाइंग कर सकते हैं मंथ एंड की। अभी भी कोई चाहें तो मंथ एंड की जो आपका जून है, तो आपको 27 जून की एक्सपायरी की मिल रही है, आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, एक मिनट वापस एक बार देख लेते हैं। हाँ, 27 जून का 11922, तो 11900 अगर यहाँ पे 11500 का देखें आप तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका है 11500 का 27 जून 11922 27 जून 2019, और अगर एट द मनी हम देखें 11950 और 11500 पे देखें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसको 5.55 रुपया बता रहा है। अभी इसकी प्राइस यहाँ पे भी 11900 का या 11850 का यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं, 11850 का पुट चाहें तो आप यहाँ पे 27 जून की एक्सपायरी वाला आप ट्राई कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना आए आपको। मेरे अंदाज से अभी थोड़ा वेट करें, 11800 ब्रेक करता है तो फिर सोचेंगे कि अपने को क्या करना है इसमें। लेकिन अगर बिड एंड सेल की प्राइस देखें तो भी बिड एंड आस प्राइस 5.20, 5.60 है 11500 का, तो शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, तो निफ्टी 50 एक बेरिश सिग्नल है, एक बेरिश ट्रेंड में जा सकता है। आपको यहाँ पे 5 आवर के चार्ट पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक पैटर्न रेड बना है, रेड बनने के बाद यहाँ पे एक इंडेसिसिव सिग्नल आया है, यहाँ पे इंडेसिसिव सिग्नल है, तो यहाँ से हो सकता है वो आपको फॉल की ओर देखे। और डेरिवेटिव में हमने आपको दिखाया 6 जून की जो एक्सपायरी होगी, 6 जून 2019 की जो एक्सपायरी होगी वहाँ पे बहुत बड़ा रेंज नहीं बन रहा है, वो 11800 से 11950 के आसपास का रेंज बन रहा है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, बेरिश सिग्नल है, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन किसी चीज़ पर भी नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत